यहां पर ये सबसे पहले स्क्रीनशॉट दिख रहा है, यहां पर क्या है पेंडिंग रिमूवल, इसका मतलब क्या होता है वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये वैभव जैन को कुछ बताना चाहता हूँ। टेक डोरेडो ये चैनल का नाम है, इन्होंने मेरे को स्ट्राइक दिया दूसरे वाले चैनल पे। आपने मेरा दूसरा चैनल चेकआउट नहीं किया, लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट कर सकते हो। मैं वहां पर बेसिकली अनबॉक्सिंग करता हूँ और प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये चैनल पे मैं गया, अब मैंने इसका एक वीडियो लिया था। अब वीडियो लेने के बाद भैया मैंने सेम टू सेम अपलोड नहीं किया, मैंने क्या किया उस वीडियो में वॉइस ओवर किया और वॉइस ओवर के साथ इसका वीडियो लिया और ये कॉन्सेप्ट वीडियो था। बट यहाँ पर सबसे मेन चीज आती है, जब मैंने इनको इंस्टाग्राम में मैसेज किया, मैसेज करने के बाद इनका रिप्लाई आता है और मेरे को क्या बोलते हैं, सरासर झूठ बोलते हैं, इतना खतरनाक झूठ बोलते हैं कि मैं क्या बताऊं। बोलते भैया हमने स्ट्राइक नहीं दी, मैंने स्ट्राइक नहीं दी, ये यूट्यूब ने दिया। अब मेरे को खानदेश का यूट्यूबर समझेगा, मैं टेक यूट्यूबर हूँ, मैं यूट्यूब से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक ऐसे ही नहीं देता हूँ, मेरे को पता है, अच्छे से पता है। अब इसका मतलब बेसिकली होता क्या है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इनकी चैटिंग। तो इन्होंने बोले भैया आप वीडियो रिमूव कर दो, तो मैंने बोला हाँ जी हाँ, मैंने हाँ से हाँ मिला दिया और मैंने वीडियो को डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर मैं चाहता था तो वीडियो डिलीट नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने किया, क्यों किया इसका रीजन बताता हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो जैसी आपके एक वीडियो में पर्टिकुलर एक वीडियो में आगे कॉपीराइट क्लेम, अब कॉपीराइट क्लेम के आने से क्या होगा, आपके वीडियो से जो भी अर्निंग होगी वो उसको हो जाएंगी जिसका आपने वीडियो यूज की है, ठीक है, इससे चैनल को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर सेकंड चीज आती है भैया कॉपीराइट स्ट्राइक। अब ये होती क्या है, कोई दूसरे बंदे का अगर आप कुछ यूज करते हो तो एक फॉर्म आता है, उसको फिल करता हो बंदा और हमारे यूट्यूब के वीडियो में मिलती है कॉपीराइट स्ट्राइक। अब यहां पर दो चीज होती है, एक तो पेंडिंग होती है और दूसरी चीज डायरेक्ट रिमूव हो जाती है वीडियो। तो यहां पर मेन चीज है कि भैया मेरा डायरेक्ट वीडियो रिमूव क्यों नहीं हुआ, ये मेरा ही वाले चैनल का वीडियो है, ये डायरेक्ट रिमूव हुआ था, ये वंस क्रेजी वंस ने मेरे को स्ट्राइक मारा था, डायरेक्ट रिमूव हो गया था। अब यहां पर रिमूव क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब तो मिलेगा, लेकिन उससे पहले ये जान लो। अब यहां पर ये जो कंडीशन आई है मेरे वीडियो में कि भैया पेंडिंग रिमूवल, अब यहां पर एक चीज होता है, ये कॉपीराइट स्ट्राइक आपके इसमें एनेबल होने की है, ठीक है, ये एनेबल कब होगी, कैसी होंगी और इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा। सबसे पहली चीज ये पेंडिंग रिमूवल, ये कितने दिन बाद यानी ये वीडियो हटेंगी और स्ट्राइक पड़ेगी। तो यहां पर इसका मतलब क्या है, एक बार आपको चांस मिलता है कि भैया आप वीडियो डिलीट खुद से करते हो तो ये जो कॉपीराइट स्ट्राइक है जो पड़ने वाली है वो नहीं पड़ेगी, लेकिन यहां पर आपको 7 दिन का टाइम मिलता है। लेकिन ये कॉपीराइट स्ट्राइक जो ये पहली वाली मिली मेरे, ये वीडियो डायरेक्ट उड़ गया, इसमें मेरे को टाइम नहीं मिला, लेकिन इसमें मिला। अब इसका रीजन भी बताऊंगा, बट यहां पर यूट्यूब क्या बोलता है कि भैया जैसी कोई स्ट्राइक मारता है, कोई स्ट्राइक देता है आपके वीडियो को, तो आपको 7 दिन का टाइम मिलता है, सिंपली आपको वीडियो रिमूव करनी होती है। अगर आप 7 दिन के बाद रिमूव करते हो तो आपको स्ट्राइक मिलती है आपके चैनल पे। तो यहां पर इसका मतलब ये होता है, और आपको इस टाइप से कुछ मेल आएगा, जैसे मेरे को ये वैभव जैन का मेल आया, ठीक है, इनके तरफ से मेल आया, यूट्यूब की तरफ से मेल आया कि भैया का जो आपने वीडियो यूज किया हो ये 7 दिन बाद इनका जो कॉपीराइट स्ट्राइक है आपके चैनल में एक्टिव हो जाएगा 7 दिन बाद, आपको उससे पहले वीडियो डिलीट करना है, अदरवाइज आप उससे पहले डिलीट नहीं करते हो तो स्ट्राइक पड़ जाएगी आपके चैनल पे। तो ये जो चीज है ये आपको समझना ही चाहिए और ये 100% आपके कभी ना कभी काम आने वाली है। तो यहां पर मैं खानदेश का न्यू टेक डोरिडो, आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हो ना तो मैं खानदेश का न्यू वो पहले बता रहा हूं, आप मेरे को इतना भी एड़ा मत समझो कि मेरे को कुछ समझता नहीं कि भैया बिना आपके फॉर्म भरे मेरे वीडियो में स्ट्राइक नहीं आ सकती, अपने आप नहीं आ सकती। मैंने यूट्यूब के एल्गोरिदम को तो मैंने चेंज कर दिया, आपका मैंने उस वीडियो का म्यूजिक यूज नहीं किया, इससे यूट्यूब का एल्गोरिदम नहीं पहचान पाया, लेकिन यहां पर मैंने एक गलती की कि आपका वीडियो यूज किया, तो आपका वीडियो नहीं यूज करूंगा, कभी नहीं यूज करूंगा। और यहां पर सबसे मेन चीज देखो, इनका मैंने ये लॉन्ग वीडियो तो यूज किया था, ठीक है, अभी शॉर्ट वीडियो, अब शॉर्ट वीडियो में भी इन्होंने मारा है स्ट्राइक। अब ये देखो, ये वीडियो अभी भी पेंडिंग रिमूवल में पड़ी है, और ये वाला जो पहले वाला वीडियो था, ये लॉन्ग वीडियो था, मैंने इसको डिलीट मार दिया था, इनको मैसेज भी किया था कि भैया डिलीट मार दिया है, और ये पेंडिंग रिमूवल में पड़ी है। अब मैं यहां पर ये चेक करना चाहता हूं कि भैया जो शॉर्ट वीडियो होता है हमारा, शॉर्ट वीडियो में स्ट्राइक लगती है क्या, मैं ये चेक करना चाहता हूं आती है क्या, इसलिए मैं इसको रिमूव नहीं करूंगा जब तक ये रिमूव नहीं होती। यहां पर मुझे चेकआउट करना है कि भैया स्ट्राइक आती है कि नहीं आती है, इसलिए मैं इसको डिलीट नहीं करूंगा। वो वाले चैनल में एक स्ट्राइक पड़ भी गई तो मेरे को कोई टेंशन नहीं, पहला ही स्ट्राइक होगा वार्निंग आ जाएगी, बस उससे अलावा कुछ नहीं। अगर ये शॉर्ट वीडियो रिमूव होती है तो और एक वीडियो आएगा और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो ऐसी यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो के लिए सिंपली सब्सक्राइब करना है और लाइक जरूर करना, क्योंकि मैं आपके काम की चीज लेके आता हूं।